पे सबसे ज्यादा स्नो कब होता है? जो भी स्नो होता है दिसंबर फर्स्ट वीक, नवंबर सेकेंड टू थर्ड वीक होता है, और जनवरी फरवरी में तो बहुत स्नो होता है, कम से कम 3-4 फीट होता है। हेलो ट्रैकर्स, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम जूड़ा की ताल। मस्त मौसम हो गया था, नींद भी अच्छी आ गई, स्लीपिंग बैग ने अच्छा काम किया, जैकेट ने भी अच्छा काम किया। अभी आपको बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ, एंड ये वाली वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है क्योंकि अब नज़ारे बहुत अच्छे अच्छे आने वाले हैं। स्नो में भी ट्रैक करेंगे। कैसी रही नींद? नींद मुझे तो नींद ही नहीं आई जगह चेंज होने के कारण। भैया फर्स्ट टाइम स्लीपिंग बैग में सो रहे ना, इसलिए शायद नींद की प्रॉब्लम हो गई। मुझे तो बहुत बढ़िया नींद आई। अब मैं आपको बाहर का नजारा दिखाता हूँ। क्या नजारा है ना। निकलते हैं बाहर। सो अभी फ्रेश होने के लिए ऐसे बर्फीले जंगलों में जा रहे हैं। किस किस का एक्सपीरियंस फर्स्ट है ऐसे ओपन में फ्रेश होने वाला? हमने तो गांव में करा है, हमने तो गांव में किया, बट स्नो में नहीं किया। सो स्नो में मेरा फर्स्ट है। सो आज की पहली चाय, हाँ वो भी बिना दूध वाले, हाँ चूड़ा के ताल के जस्ट सामने। अभी वहाँ सेंटर पे चलते हैं एंड चेक करेंगे कितना पानी फ्रोजन हुआ है। वहाँ पे पहुँचते हैं, रास्ता ना उधर से है, पहुँचते हैं जल्दी वहाँ पे। सी यहाँ से हमें वहाँ सेंटर पॉइंट पे जाना है। ये पूरा फ्रोजन है, कोई दिक्कत ही नहीं है, इसलिए मैं स्टिक भी कैरी कर लिया। यहाँ पे थोड़ा सा ये भी फ्रोजन ही है। सो अभी मैं पहुंच चुका हूँ एकदम सेंटर ऑफ द तालाब। सो ये है तालाब का सेंटर पॉइंट, एंड अभी यहाँ पे ना प्रॉपर फ्रोज नहीं हुआ, अदरवाइज ये भी पूरा का पूरा फ्रोजन हो जाता है। एंड शायद मतलब यहाँ पे भी है, बट जाना सेफ नहीं है, तो इसलिए लोग ना वहाँ पे जा नहीं रहे हैं। मस्त है यार, आओ केदारघंटा यार, ट्रैक मस्त है, बट एजेंसी डिपेंड करती है कैसी कैसी है, कुछ अच्छी हैं कुछ बेकार हैं, बट ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं मिलने वाली आपको यहाँ पे, तो ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना। बैटरी की बहुत इश्यू होने वाला है भाई, बहुत जल्दी जल्दी ड्रेन होता है। स्लीपिंग बैग में अपने जितने भी गैजेट्स हैं स्लीपिंग बैग में लेके सोना, एंड वाटर बॉटल ज़रूर, जो कि आपको गर्म मिलेगी बिल्कुल, क्योंकि मैं भी लेके सो गया था, हाँ बिल्कुल मिली थी, बड़ा मज़ा आ रहा है। अब हम केदारकंठा बेस कैंप की तरफ फॉरवर्ड करेंगे, एंड वहाँ के शायद नज़ारे बहुत अच्छे आने वाले हैं, सो एंजॉय करेंगे। अभी बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई, अभी निकलते हैं यहाँ से, एंड कुछ सिनेमैटिक्स बनाए हैं, मज़ा लेना। अभी निकलते हैं कैंप की साइड में, जैकेट निकाली थी ना अभी, ठंड लग गई सिंगल लेयर पे, मैं काफ़ी देर तक खड़ा था। चलो सिनेमैटिक का मज़ा लेना।
वन जो बुरिश कर रहा है, बाकी कोई बुरिश नहीं कर रहा भाई। अपने को ना ब्रश चाहिए होता है तभी ब्रेकफास्ट होता है। सी ब्रेकफास्ट टाइम एंड आज मिलने वाला है पोहा एंड हलवा। इतना पोहा में कैसे काम चलेगा भैया? आ जाएगा दूसरा भी खाएंगे और रहे हो क्या? दे दो जल्दी। पोहा एंड हलवा खा रहे हैं, उसके बाद हमारा ट्रैक स्टार्ट होगा टूवर्स बेस कैंप केदारकंटा। जल्दी ब्रेकफास्ट करते हैं। चीयर्स। देखिए बहुत सारे लोग आ चुके हैं ये तालाब एंड आज है 31 दिसंबर। वहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब वहाँ से आते हैं लोग, यहाँ पे स्टे भी करते हैं, कुछ नीचे स्टे करते हैं, सबका अलग अलग स्टे होता है। एंड वहाँ से आके एंड ये देखो ये जा रहे हैं अब टूवर्ड्स द समिट, एंड समिट से पहले बेस कैंप में स्टे करेंगे जो कि रास्ता देखो यहाँ से जाता है आगे की तरफ। सो वहाँ से आते हैं उस वाली पीक के पास से, मतलब नीचे से आते हैं एंड हमें जाना होता है इस जंगलों में। बहुत क्राउड है 31st, मतलब हर कोई चाहता है कि यार 1 जनवरी 2023 को पीक पे लाइक समिट पे हो, बहुत ज़्यादा क्राउड हो रहा है। सो अभी जुड़ा के तालाब वाले कैंप को बाय बाय एंड अभी रेडी हो चुके हैं निकलने के लिए। भाई साहब हमारे लीडर्स का ना डिसाइड ही नहीं हो पा रहा है कि निकलना है नहीं निकलना, क्या सीन है यार। से यहाँ पे वेट कर रहे हैं यहाँ पे और ये बैग वैग सब, और मुझे लगता है हमने इस बार सबसे पहले हमने ब्रेकफास्ट भी कर लिया ना, इधर बॉडी ठंडी करेगा और फिर बोलेगा चलो। भाई साहब प्रो लेवल, मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर सोलो देयर एंड सब एंजॉय कर रहे हैं और हम लोग अभी तक खड़े हैं। हमारे जो ट्रैक लीड्स है ना, क्या बोले यार, कुछ बोलना अच्छा नहीं है ज्यादा, बहुत परेशान हो गए। हेलो हाइकर्स। सो फाइनली पूरा का पूरा ग्रुप हो गया है इकट्ठा एंड अभी भी शायद कुछ मेंबर्स नहीं आए हैं, उनका वेट कर रहे हैं और उसके बाद निकलेंगे टुवर्ड्स केदारकंटा बेस के लिए। सो ऐसा निकलता है एक क्यू में, अब फाइनली हम निकल चुके हैं बेस कैंप के लिए फाइनली। नॉट अ इजी ट्रैक एंड आपको थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे कुछ टी स्टॉल्स एंड कुछ खाने पीने के लिए मिल जाएगा। सो डोंट वरी फॉर फूड एंड देखो कहाँ चढ़ना है यार, अभी बहुत लंबा है और अभी मुझे लगता है हम हार्डली 100 मीटर आए होंगे, शायद 100 या 150 मैक्सिमम। गाइस नॉट इजी ट्रैक, थोड़ा मुश्किल है। रास्ते में जाओ सो ऐसे ऐसे भी आपको चीज़ों का टाप टाप के जाना पड़ेगा और एंजॉय करते रहना, मैक्सिमम लोग आपको सोलो मिलेंगे।
सारा ना ये स्टिक और शूज़, इन दोनों का ही कमाल है स्नो पर चढ़ने के लिए। अभी इतनी ज़्यादा स्नो नहीं है तो इसलिए स्पाइक्स नहीं दिए। शो हो भाई सब रेंजेस। सो अभी हमें नेटवर्क वाले एरिया में जहाँ पे जियो का नेटवर्क आ रहा है, पर मेरा अभी भी नहीं आया। जियो का नेटवर्क आ रहा है, वोडाफोन का नहीं आ रहा। वोडाफोन एयरटेल तो है ही नहीं, मेरा फ़ोन तो डाटा पहले से ही सिम वाला। एंड कहाँ पे आपको नेटवर्क मिल जाएंगे समथिंग आपको जब आप जुड़ेंगे तालाब से आगे चलेंगे टूवर्ड्स बेस कैंप की साइड। सो अप्रोक्स 800 मीटर के आसपास आपको ऊपर जाके टी स्टॉल के बाद ऊपर जाके आपको नेटवर्क वाला एरिया मिल जाएगा। कॉल्स वगैरह कर लेना, सब लगे भैया कॉल्स करने में। गाइस बेस कैंप पहुंच गए केदारकंटा के, एंड बहुत बढ़िया ही नज़ारा है यार यहाँ पे। एंड ऑलमोस्ट मुझे तो समथिंग जुड़ा के तालाब से ऊपर बेस कैंप के लिए, जहाँ पे बहुत सारे देखो कैंप्स लगे हुए हैं। एंड यहाँ पे स्टॉल्स भी हैं, फूड भी है। सो यहाँ पे लंच होगा हमारा। एंड समथिंग 1 आवर हमें लगा है असेंड होने में। बड़ा मज़ा है, एंड व्यू दिखाता हूँ आपको। ये देखो दूर दूर तक यहाँ पे कैंप ही कैंप लगे हैं। एंड देखो उधर भी कैंप लगा है, और ये देख रहे हो अगर यहाँ पे स्नो हुई ना स्नोफॉल नींद नहीं आएगी। वो देखो वहाँ तक वहाँ पे भी, एंड देख नहीं रहा है कुछ। एंड सामने देखो रेंजेस, हमें वहाँ पीक पे चढ़ना है। सी सो कुछ मेंबर्स इकट्ठे हो गए हैं, हाँ कुछ पता करते हैं, जानते हैं। भाई कितना टाइम लगा तुम्हें भी? हमें 1 घंटा लगा दिया। हाँ भाई 1 घंटे में कुछ फील हुआ? अभी थकावट नहीं यार, बहुत मजा आया। अगर आप जूरा का तालाब कर ले तो आप कर सकते हो ऐसा। हाँ स्टार्टिंग में स्टीप था बस, बाद में तो काफी। लोकेशन ये वाली कैसी लग रही है भाई? क्या व्यू है, माफ कसम देख लो, आजू बाजू देख लो, व्यू ही व्यू है। कहाँ फोटो खिंचाए, हर जगह व्यू है। सही बात है। और पता नहीं, अभी तो हमें पता भी नहीं है ना हमें यहाँ पे स्टे करना है नहीं करना। नहीं, हमारा स्टे उधर है। कहाँ पे है वो? उधर ये इसके आगे ऑरेंज कलर के टेंट से। हमारे स्टे ना ऐसी ऐसी जगह दे रहे हैं ना, मतलब जहाँ हम चाहते नहीं है हमें वहाँ वहाँ स्टे मिल रहा है। सो नेक्स्ट टाइम तो आऊँगा ही आऊँगा मैं, बट दूसरी एजेंसी से। बस इस बार यही देखने आए हैं कि कौन सी एजेंसी अच्छी है। बाकी नो कंप्लेंट्स, ये बोलेगा। एक मस्त व्यू है यहाँ पे। मैं पहले सोच रहा था यार हमारा ना जो कैंप साइड है वो बेकार जगह में है, बट अभी व्यू देख के ऐसा लग रहा ना यार, खुश हो गया दिल, बहुत खुश हो गया। दिखाऊं व्यू? सी महाराष्ट्र वाले भाई खुश हो गए। एंड अपने को वहां जाना है। Yeah.
ये है यार असली ट्रैक। तो भाई वाकई में ना केदारकंठ ट्रैक इज रियली वेरी ऑसम यार। मतलब देख रहे हो रास्ते, हाँ दिल गार्डन गार्डन हो गया यार सबका। वाह कैसा लग रहा है? एकदम बढ़िया, जन्नत में जैसे आ गए। हाँ इससे ज्यादा क्या ही खूबसूरत होगा जन्नत में। बहुत खूबसूरत होगी शायद इससे भी अच्छी। हाँ बट ये भी ना जन्नत से कम नहीं है। जन्नत तो हमने देखी नहीं है, बट जो हमने देखा है ना वही हमारे लिए जन्नत है। वो तो वो सही बात है। ये बहुत अच्छा था। सो अभी अपने साथ हैं ट्रैक गाइड, कुछ बताओ यार यहाँ के बारे में। यहाँ पे सबसे ज्यादा स्नो कब होती है? यूजुअली स्नो होता है दिसंबर फर्स्ट वीक, नवंबर सेकंड टू थर्ड वीक होता है, और जनवरी फरवरी में तो बहुत स्नो होता है, कम से कम 3-4 फीट होता है जनवरी का फर्स्ट वीक के बाद में, या फिर फर्स्ट वीक के बाद में। फर्स्ट वीक के बाद में इस साल तो नहीं गिरा है स्नो, अभी गिरा है। हाँ, दो दिन मतलब कल और परसों गिरा था। तीन दिन पहले जब हम यहाँ पे आए थे पूरा मिट्टी मिट्टी था, पहले कुछ भी नहीं था यहाँ पे। परसों तरसों कुछ हुआ है ये स्नो, तो हमें कुछ ये ब्यूटीफुल एंड यू कैन से जन्नत नसीब हुई है। अभी रास्ता जो है, अभी रास्ता कैसे आगे पहुँच गया अभी? अभी हम कैंप पे पहुँच गए। पहले है ना हम थोड़ा सा हमें लग रहा था यार कहाँ कैंप मिल गया, बट अब यहाँ पे जब ये क्रॉस किया ना, ये वाला पैच जो क्रॉस किया ना, उसके बाद भाई फील हुआ यार आग जन्नत में है। हमारा कैंप इतना बढ़िया है आगे, बट ना यहाँ पे आपको बॉन फायर नहीं मिलेगा ड्यू टू सम रीजंस। क्या है? लैक ऑफ रिसोर्सेज, गवर्नमेंट रेगुलेशंस। मे बी शायद लैक ऑफ रिसोर्सेज ही है। नहीं, गवर्नमेंट रेगुलेशंस है कि ओपन में नहीं करना है, सिर्फ किचन में करना है। अच्छा, तो किचन में हम करवा सकते हैं, लेकिन वो भी नहीं करवाएंगे क्योंकि किचन में खाना बनता है। राइट, पहले सॉरी बोल मैं भी तो। लोगों ने यहाँ पे ना स्नोमैन बना रखे हैं एंड वो मानो फोटो लो, अपना क्यों निकाल लेते हैं सर? सब भाई लोग मेहनत के अंदर लेटे थक गए बनाने के बाद। माउंटेन व्यूज एंड अभी हमारा चल रहा है लंच, लगे लाइन पे एंड आज क्या मिलेगा? आज मिलेगा राजमा चावल विद अचार। लंच करते हैं जल्दी जल्दी। प्लेट में राजमा चावल एंड अचार, आज का यही खाना है। वहाँ पे भाई चलो यार जल्दी से अपना लंच फिनिश करते हैं पहले। हाँ पहले पेट पूजा, भूख लग गई है। कैसा लगा? हाँ सब बैठ के खाना खा रहे हैं। एक बात है, तुम आज आम खाओ या भाई साहब को तो क्या चाहिए था? क्या चाहिए था? गाजर का अचार। आम का अचार मिल गया। आम का अचार। कोई बात नहीं है, हम बहुत ज्यादा हाइट पे हैं, ऐसी बातें होती रहती हैं। मेरा बिल्कुल नहीं था विचार। छोड़ सकते हो, उसके अलावा कुछ मिलेगा भी नहीं। सो अभी 5 बज चुका है और ये देखिए भाई, और हमने ना भाई साहब इतनी सारी लेयरिंग कर ली ना, 1-2 इसके नीचे भी 3, अभी और आके पहननी है, इसके ऊपर कम से कम 2-3 तभी काम चलेगा। एक काम कर भाई,
टिश्यू पेपर्स रख लिए, समझ जाना किस लिए अभी जा रहे हैं हम तुम्हारे क्या जंगल में। मेरे क्योंकि ना वॉशरूम का कुछ पता नहीं है बहुत सही यार, कैसा है कैसा नहीं है, ये जैकेट से लेकर ओपन ही अपने को ठीक लगने वाला है। अभी हम जा रहे हैं, देखो यार केदार गंता बेस कैंप है ये, हार्ड प्रो लेवल की ठंड है भाई यहाँ पे। थोड़ी देर में ना पूरे लाल हो जाएंगे, अभी जस्ट हम कैंप से निकले हैं रेडी होके मस्त टेंट। इस कैंप में आज सोने वाले हम 3%, कल भी 3 ही सोए थे, कुछ नहीं लिए। हाँ कल बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगी थी भाई। क्या सी ये देख रहे हो, अभी ना बहुत कमी स्नो पड़ी है, आज तो पड़ी नहीं, ये सारी कल की स्नो पड़ी हुई है एंड अभी भी ये फ्रेश है। कुछ कुछ कहीं कहीं पे ना ये बिल्कुल ब्लैक आइज हो गई हैं, लग रहा है ना कि स्नो फ्रेश। यार फ्रेश होना भी जरूरी है एंड स्नो का फ्रेश होना भी बहुत जरूरी है। गंदी लेवल की ठंड है, नज़ारा देखो पीछे का एंड सी यहाँ पे देखो सी केदारकंठा बेस कैंप एल्टीट्यूड 3400 meters 11154 feet एंड एक और पीक पे हम खड़े हैं अभी इस पत्थर पे एंड यहाँ का देखो पूरा नज़ारा। छः बज के आसपास एंड अभी एक ब्रीफिंग हो रही है टुमारो मॉर्निंग के लिए, क्या क्या लेयरिंग करनी है क्योंकि हमें सुबह मॉर्निंग शायद 2 या 2:30 बजे निकलना होगा। सो सारे ग्रुप मेंबर्स इकट्ठा हो गए हैं एंड देखते हैं क्या बताते हैं यार ये। और 3 बजे को यहाँ से निकलेंगे, प्रोटोकॉल ये है कि 2 बजे को उठना, 2:30 तक ब्रेकफास्ट लग जाएगा, लाइट ब्रेकफास्ट होगा, हेवी ब्रेकफास्ट नहीं होगा क्योंकि ट्रैक करते हो, तो लाइट ब्रेकफास्ट होगा, 2:30 to 3:00 तक ब्रेकफास्ट होगा, 3:00 को यहाँ से निकलते हैं हम लोग, 3:15 तक वेट करेंगे, अगर कोई 3:15 तक नहीं पहुँचे तो हम आपको छोड़ के चले जाएंगे। अच्छा ये शूज़ तो आप सबके पास है, आपको नेक भी कवर करना पड़ेगा और नोज भी कवर करना पड़ेगा। कल समिट पे हवा बहुत ज़्यादा रहता है तो अगर आप आधा घंटे से ज़्यादा समिट पे रुके तो आपका पूरा चेहरा फट जाता है, तो क्योंकि रास्ता में फुल फॉरेस्ट है और रात में थोड़ा डेंजरस भी होता है, तो जाएंगे तो ग्रुप के साथ ही जाएंगे, अकेला कोई नहीं जाएगा। कल सुबह हर किसी को लाइन में ही जाना होगा क्योंकि हमारा ट्रायल जहाँ पे शुरू होता है और जहाँ पे बाकी का ट्रायल मर्ज होता है, बीच में बहुत सारे रास्ते खो सकते हो कोई भी, तो आपको लाइन में ही चलना पड़ता है, ग्रुप के साथ ही चलना पड़ता है, अगर कोई ग्रुप से छूट गए तो उनका। सो अभी कैंप में आ गए हैं एंड ऑलमोस्ट 7 बजने वाले हैं और बाहर का तापमान -2, हाँ ना माइनस ज़्यादा ही हो गया होगा, -2-3 के करीब होगा, हाँ 3 or 4 होगा इस टाइम पे। हम ना इतने पैक हो रखे हैं, ये देख रहे हो ये -15-20 वाली जैकेट पहनी है, इसके अंदर जैकेट है, इसके अंदर भाई से बहुत सारी लेयर्स पहनी है, अलग से स्लीपिंग बैग है। नहीं मैं तो बिल्कुल भी, ये देखो मैं तो बिल्कुल ही पैक हो चुका हूँ, मेरा मन बिल्कुल नहीं है भाई। और भी हैं यहाँ पे, सो वो सो गए हैं। स्लीपिंग बैग कैसा लगाया है, कुछ अलग ही लेवल से उन्होंने ना चादर की तरह ओढ़ लिया है, उन्होंने का काम बनता बाढ़ में बनता। बहुत ठंडा है यार बेस कैंप के लिए ना, यार तुम्हें 4-5 लेयर माइनस वाला, मैं तो कहता हूँ माइनस वाला पहन के ही सो जाओ स्लीपिंग बैग में, और बहुत ज़्यादा ठंडा है। देख रहे हो कितना ठंडा है, ऐसा लग रहा है सिगरेट पी रहे हैं। बहुत ज़्यादा ठंडा है बाहर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद अगर बाहर जा सकते सब्सक्राइब भी कर देना, बोलते तो बाहर जा सकते हैं। अरे भाई बाहर अगर मैं जा पाता ना दिखाता, अभी हमारा 7 या 7:30 पे
हमारा डिनर होना है, इतना ठंड हो रहा है कि हमने छोड़ दिया है, हम नहीं खा रहे हैं। जो होगा अब देखा जाएगा, 2 बजे उठना है, 2 बजे उठना है और उसके बाद शायद ब्रेकफास्ट ही कर लीजिए आप सुबह, तो ब्रेकफास्ट ही मिल जाएगा हमें, तभी खाएंगे और उस टाइम पे बहुत भीड़ होगी, देखते हैं यार क्या होगा। बट अभी नहीं हम खा रहे, किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि बाहर जाए, क्योंकि पाँव तो एकदम, हमने ना कितने थ्री, मैंने अभी 3 लेयर सॉक्स पहने हैं एंड पाँव सुन्न हो जा रहे हैं, और ग्लव से जैसे बाहर निकाल रहे ना हाथ को बिल्कुल सुन्न हो जा रहे हैं, बहुत गंदा टेम्परेचर है। सो आपको वीडियो पसंद आया होता है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक दे देना एंड शेयर जरूर कर देना यार, कुछ भी मत करो बट शेयर जरूर कर देना, जो भी यहाँ पे आ रहा होगा ना उसको वो अवेयर हो जाए और सारी चीज़ें जरूर कैरी कर ले अपने साथ। और मेरी तरह फ्लैश लाइट ना खोजे भाई साहब, जूड़ा की ताल पे थोड़ा फोकस मार के दिखा देता हूँ। ये हैं दिल्ली वाले भाई, कनॉट प्लेस वाले, फोकस मार के दिखा देते हैं थोड़ा सा। लाइट नहीं है ना यहाँ पे, ये देखो यार ऐसे हमने लाइट से 2-3 लाइटें जुगाड़ कर रखा है उसी से, ठीक है। और भाई भाई ने क्या करा है, मैंने अपना फ्लैश लाइट वहाँ छोड़ दिया जूड़ा के तालाब में, ठीक है। इनको पता क्या बोलते हैं, केयरलेस पीपल कह सकते हैं, लेकिन मुझे कोई, मैं प्राकृतिक चीज़ों पर बिलीव करता हूँ, जैसे पहले के लोग बिना टॉर्च वगैरह की ट्रैक करते थे, मैं भी ट्राई करूँगा कि वैसे कर पाऊँ मैं। बट स्ट्रिक्टली जो हमारे गाइड है ना, उन्होंने बोला था कि कोई भी फ़ोन टॉर्च से नहीं जाएगा, या कोई आपके पास मतलब हैंडी वाला नहीं होना चाहिए, जो भी हो आपके हेड माउंट वाला होना चाहिए। उसके बाद भी देख लो, ये तो हमें बहुत कुछ था हमारे ट्रेन उसने कि हमें बहुत अच्छा खाना मिलेगा, 4 टाइम गर्म पानी नहीं नहीं उसने बोला था आप टूरिस्ट नहीं है आप ट्रैकर हैं, 4 टाइम गर्म पानी भी नहीं मिला अभी तक। हम अभी अगर अपना ट्रिप पर वो कंबाइन भी करा तो 4 टाइम नहीं होगा गर्म, उसके लिए हम, मैं उसके लिए एक, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करके बताना एंड इंस्टाग्राम में भी मेरे से पूछ लेना, आईडी आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगी, या फिर आईडी है पहाड़ी अरविंद 1। सो ऑल दो यार बहुत ज़्यादा ठंड है, अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा ठंड है, हम बस अब बाहर नहीं जा रहे हैं, डिनर करने भी नहीं जा रहे हैं, हम सो रहे हैं अब। सो आई होप आपको वीडियो तो पसंद आया ही होगा। 3-4 जैकेट कैरी करना, -10 -5 वाले, ताकि ट्रैक में ईजी रहे। और लोअर साइड के लिए, लोअर साइड के लिए अच्छा सा एक वाटर प्रूफ ट्रैक पैंट कैरी करें, और सारा ना कैरी कर लेना यार, अपने साथ ही कैरी कर लेना, जो भी रेंट आउट प्रोडक्ट्स पे बिलीव मत करना, बिलीव मत करना, कुछ करना है खुद से अपना पर्सनल, तो ज़्यादा इजी है, वो ट्रायल एंड ट्रस्टेड होता है प्रोडक्ट। एंड कल का वीडियो, मेरे पास बैटरी की बहुत शॉर्टेज है, सो ज़्यादा मैं इसलिए शूट भी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में ही हमारे साथ ना बहुत गंदा वाला सीन हो गया था, क्योंकि शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाँ इलेक्ट्रिसिटी गायब थी और हम डिपेंडेंट होकर आ गए थे कि वहाँ पर जाके चार्ज कर लेंगे, और हम सिर्फ पावर बैंक पर चल रहे हैं, अब हम पावर बैंक हैं वो भी बहुत कम चार्ज है, मतलब तो बहुत इसलिए लिमिटेड। बट कल का व्लॉग क्योंकि सबमिट करना है हमें, बहुत अच्छा आने वाला है, 2 बजे उठना है, 2 बजे क्या जल्दी भी उठ सकते हैं। सो गाइस बाय, मिलते हैं कल। सो गाइस कैसे तैसे करके ना हम अपने कैंप से बाहर आए हैं, क्योंकि अब ना लकड़ियाँ इकट्ठी की जा रही हैं न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए, फिर बॉन फायर होगा, पहले इन्होंने मना कर दिया था बट कुछ प्लान में सडन चेंज हुए हैं। सो सारे जितने भी ट्रैकर्स हैं ना वो सब के सब उधर जाके कहीं जंगलों में जाके ना अपनी लकड़ियाँ इकट्ठी करके लेके आ रहे हैं, एंड फिर दिखाता हूँ आपको, मजा आएगा। अरे ना कुछ कान को कुछ आएगा लास्ट से लगता है, अरे इधर से अभी नहीं मिलेगा, ऊपर चलो भाई ऊपर चलो, लाइन पर जाओ जाऊंगा ला रहे हैं, बार बार करा दो खाने के लिए, और आ जाओ मेरे पीछे जाओ, लाइन हो जाओ सब लोग, वाह चिल्ले, फाइनली अपनी आग लग चुकी है, और थोड़ी देर में हम सेलिब्रेशन करने वाले हैं न्यू ईयर का, कोई नहीं बोलेगा फालतू।